टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। फर्जी तथा कथित पत्रकारों की गैंग दुकानदारों को बनाती थी अपना शिकार। फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों को ठगी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से दो आरोपी अपने आप को पत्रकार बताया करते थे। दरअसल ये चारों लोगों का गिरोह था जिसका मास्टरमाइंड था मोहम्मद अशहद। बताया जा रहा है कि इसके तीन और साथी हैं, ओम चतुर्वेदी, सुशांत शुक्ला, जावेद उर्फ बंटी। वैसे तो रहने वाले ये यूपी के गोंडा के हैं, मगर ये डरा धमका कर अवैध वसूली करने के लिए बहराइच तक पहुंच जाते हैं और फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों को डरा धमका कर इनसे पैसे वसूली करते हैं। कुछ इसी तरह से ये लोग दुकानदारों से पैसे वसूली करते रहे थे और दुकानदारों को शक भी नहीं हो पाता था कि ये असली फूड इंस्पेक्टर हैं या नकली। वॉकी टॉकी का भी ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, मगर दुकानदारों को कुछ देर बाद इन पर शक हो गया और इन्हें पकड़ लिया। प्रयागपुर जनपद बहराइच पुलिस को इन्हें पकड़ने में भी कामयाबी हासिल हुई है। इनमें से अशहद और सुशांत शुक्ला ये दोनों अपने आप को पत्रकार बताते थे और अशहद भारत ए टू जेड चैनल और सुशांत शुक्ला प्लस 24 से बताया जा रहा था, मगर पुलिस ने ऐसी जानकारी दी है कि अब इन्हें चैनलों से हटा दिया गया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गोंडा के ही सिटी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ये तथाकथित पत्रकार वसूली करने के लिए गए थे। ऐसा आरोप सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अहमद सिद्दीकी ने इन पर लगाया है। मगर अब ये चारों शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने दुकानदारों से वसूली की गई रकम और अन्य सामान इनसे बरामद कर लिया है और इन पर IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद बहराइच में कल प्रयागपुर पुलिस को एक गैंग का भंडाफोड़ करने में सफलता हाथ लगी है, जो कि फर्जी फूड इंस्पेक्टर बन करके अपने साथियों के साथ दुकानदारों से वसूली कर रहा था। इसमें ओम चतुर्वेदी पुत्र कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, सुशांत शुक्ला पुत्र दीप कुमार शुक्ला, अरशद उर्फ असहद पुत्र आरिफ तथा जावेद उर्फ बंटी पुत्र जमील अहमद, इन चार लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि गोंडा कोतवाली नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में रहते हैं। इनके पास से दुकानदारों से वसूली हुई 12,000 रुपये जो वसूले थे उसकी रिकवरी हुई है। एक वॉकी टॉकी इनके पास से बरामद हुई है, जिसके माध्यम से एक दूसरे से बात करके ये लोगों के ऊपर अपना असर डालते थे। इसके साथ ही साथ ये पुलिस इन पर दबाव न डाल सके, इसके नाते ये सुशांत शुक्ला और अरशद अशहद इन लोगों ने दो चैनल जो न्यूज मीडिया के बैनर तले इन्होंने अपने को सुरक्षित करने की कोशिश की, जिसमें कि सुशांत जो है प्लस 24 न्यूज से रिलेटेड बताए जाते हैं और अरशद उर्फ अशहद जो है भारत ए टू जेड न्यूज से संबंधित बताया जाता है। यद्यपि इन चैनल्स के मालिकान ने ये बताया कि इनको निकाल दिया गया है उसमें से, और इसमें से जो अरशद उर्फ अशहद है ये मास्टरमाइंड है। इसके खिलाफ गोंडा में अन्य मुकदमे भी कायम हैं। वर्ष 2018 में भी ये फर्जी CBI इंस्पेक्टर बन करके वसूली करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इस तरह से इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।